आज हम बनाएंगे दलिया खिचड़ी। बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है और हेल्दी भी है, ये सुपाच्य भी है, हल्का होता है पचने में। तो ये 2 कप दलिया है, एक हम गैस पर पैन चढ़ाए हैं, इसको हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। हल्का रोस्ट करने से थोड़ा सा ये अच्छा लगता है खाने में। तो इसे हम ज़्यादा नहीं, हल्का रोस्ट करेंगे। ये गेहूं का बना हुआ दलिया है तो इसे हम हल्का रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हल्का रोस्ट हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। गैस पर हम एक कुकर रखे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी है, उसको सूखने देते हैं हम। इसका पानी सूख गया है, अब इसमें हम घी डाल देते हैं। तो 1 चम्मच भर के हम घी डाल रहे हैं। और इसमें हम दलिया में हम दाल नहीं डालेंगे, दलिया खिचड़ी में सिर्फ सब्जी डालेंगे, वेजिटेबल, गाजर, लौकी, आलू और ये मटर। आपके पास जो भी सब्जी है, आपके घर में सबको पसंद है, वही आप डालिए। तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी बनेगा। घी गरम हो गया है, हम जीरा डाल देते हैं और थोड़ी सी हींग। एक बारीक प्याज काट के रखे हैं, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और ये अदरक लहसुन और हरा मिर्च है, इसे भी हम डाल देते हैं। और इसे हम फ्राई होने देते हैं, 2 मिनट। प्याज फ्राई हो गया है, 2 टमाटर बारीक काट के रखे हैं, इसमें डाल देते हैं। और इसी के साथ इसमें हम नमक भी डाल देते हैं तो अच्छे से टमाटर पकेगा। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। हल्दी पाउडर, टमाटर को हम ढक के पकने देते हैं। ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गया है। अब इसमें ये जो सारा सब्जी हम रखे हैं सब इसमें डाल देते हैं, ये सबको फायदा करेगा। डायबिटीज जिनको है उनको भी, हाई ब्लड प्रेशर उनको भी। दो मिनट इसमें भून लेते हैं। ये भून चुका है,
अब ये दलिया जो रोस्ट करके हम रखे हैं वो भी इसमें हम डाल देते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डालें जितना में दलिया पक सकता है। इसमें हम एक पूरा से हरा धनिया डाल देते हैं। इसमें कोई मसाला नहीं डाले हैं, जितना भी है इसमें सब फायदेमंद वाला चीज है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदा है, हेल्दी भी है। ये हेल्दी खिचड़ी है, आप बड़ों बच्चों सबको दीजिए। तो इसमें हम एक सीटी आने देते हैं, एक सीटी आएगा उसके बाद हम गैस बंद करेंगे। एक सीटी इसमें आ गया है, इसका भिसिल भी निकल गया। अभी इसे हम खोल के देखते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा बनके ये तैयार हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी गर्म करके डाल देते हैं। जब भी पानी डालें गर्म करके डालें, पानी कम है तो इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डाल देते हैं। अब इसमें हम तड़का लगा देते हैं, ये घी जीरा। ढक देते हैं ताकि इसका महक निकले ना। ये देखिए कितना अच्छा दलिया बनके तैयार हो गया। तो आप भी इस तरीके से दलिया बनाएं अपने घर में, आपके घर में सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। और हल्का भी है, सुपाच्य भोजन, हेल्दी टेस्टी सब। तो आपको हम इस प्लेट में निकाल के आपको हम दिखाते हैं। कितना अच्छा, ये देखिए दलिया बनके तैयार हो गया है। इस पर ऊपर से हम अदरक लगा देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये देखिए ये दलिया कितना अच्छा बना है, हम आपको एकदम नज़दीक से दिखा रहे हैं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। और मेरे इस तरीके से आप भी दलिया अपने घर में दलिया खिचड़ी बना के तैयार करें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।